morning everyone, welcome to my channel Sizzling Wizzling and welcome to another vlog. So this video is gonna be a Diwali vlog. Yes, happy Diwali. So currently it's 7 AM and मैं इतने सुबह उठती नहीं और इतनी ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहती, बट अभी हम जाएंगे फ्लावर शॉपिंग के लिए और वहाँ सुबह जाना ही ज्यादा प्रेफरेबल होता है और इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स मिलते हैं. ओ माई गॉड, लाइक रेड, ऑरेंज, येल्लो, एवरी कलर्स. मुझे मतलब फ्लावर शॉपिंग ना बहुत अच्छा लगता है दिवाली के दिन. सो अभी हम वो करने जाएंगे एंड आई एम गोना टेक यू गाइज विथ मी. सो लेट्स जस्ट गो. चमेली का फूल बन गया. हेलो, आई एम बैक एंड देखा यार कितना सुंदर था ना फ्लावर शॉपिंग. मुझे बहुत मजा आता है. दो प्राइजेस वॉज क्वाइट हाई, बट या फेस्टिवल टाइम में थोड़ा बहुत सबको अर्न करना है तो इट्स ओके, नेवर माइंड. बट अभी हम अपना रूम क्लीन करेंगे. लाइक वो दिवाली वाली डीप क्लीनिंग तो हो चुकी है, बट अभी ऊपर से डस्टिंग, बेडशीट चेंज करना है, नए वाले कर्टन्स लगाने हैं, तो अभी हम वो करेंगे. बट बिफोर दैट आई एम गोना गो एंड ग्रैब अ कप ऑफ टी. मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है सो थोड़ा सा एनर्जाइज होना जरूरी है. इट्स माय टी. और ये देखो इन लोगों को, पूरा ट्विंकल उधर जाओ, यहाँ पे इन लोगों ने पूरा शोकेस कर रखा है अपने सारे पटाखे एंड ऑल. तो हमें बचपन की याद आ गई. बचपन में हम भी ऐसे करते थे ना कि ऐसे पूरे ऐसे दुकान सी लगा लेते कि थे कि इतने सारे पटाखे हम लेकर आए हैं. सो हमारे जो फेवरेट पटाखे हैं ना, मतलब अभी तुम्हारा कौन सा है, तुम बताओ. मेरा तो है, मेरा है पड़ा है. जिसके लिए हम कल से बोल रहे थे लेकिन इन लोग नहीं लाए थे. नहीं, तो ले आए ना. मेरा फेवरेट तो इसमें से ये पॉप पॉप है जिसको पता हो, और ये नाग, इसको हम क्या कहते थे, नागिन था. नागिन जिसको जलाने पे वो सांप जैसा निकलता है. तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कौन सा क्या करता है, लेकिन पहले हम पॉप पॉप दिखाते हैं. चलो चलो फेंको. बहुत टाल लिया, अब फाइनली रूम क्लीन कर लेना चाहिए. बट मैंने सोचा कि मैंने कुछ कुछ चीजें ले रखी है अपने रूम के लिए, तो मैं उसका कुछ हॉल सा दिखा दूं या फिर कि मैंने क्या क्या ले रखा है. बट उससे पहले मैं आपको अपने डर्टी रूम का थोड़े से ग्लिम्स देना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद जब मैं सजाऊंगी तो आई एम गोना शो कि मेरा रूम कैसा लग रहा है. सो लेट्स जस्ट. सो टेबल का ये हाल हो रखा है, बेड भी काफी गंदा है, और यहाँ जुगाड़ू पर्दे लग रखे हैं, जो क्योंकि अभी मैंने नए पर्दे लाए हैं तो अभी मैं उनको लगाऊंगी. स्टार्ट विद आवर बेड शीट्स. तो मेरे पास अभी दो बेड शीट्स हैं और मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कौन सा लगाऊं. लेट मी शो यू. सो द वेरी फर्स्ट वन इज दिस वन, ये व्हाइट वाला, और इसके अंदर ना ऐसे छोटे छोटे फ्रूट्स, कीवी, वाटरमेलन और ऐसे पत्तियां बनी हुई है. ये काफी अच्छा लगता है मुझे. ये मैंने नेपाल से लिया था एंड क्वालिटी इज सुपर. एंड द नेक्स्ट वन, वो भी मेरा काफी फेवरेट है यार. मुझे नहीं समझ में कौन सा लगाऊं, बट दिस इज द चादर. एंड ये जयपुरी चादर होती है ना, वो इंडिगो प्रिंट वाली है, वो वाली है. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं इन दोनों में से कौन सा लगाऊं. लेट्स सी. सो मूविंग टुवर्ड्स आवर कर्टन्स. तो अभी मैंने नए कर्टन्स बनाए. तो मेरी रूम की जो वाइब है ना, वो काफ़ी ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ है, तो मैंने पर्दे भी ब्लैक एंड वाइट ही ले रखे हैं. और पहले वाले जो पर्दे थे वो काफ़ी थिन थे, तो काफ़ी लाइट आती थी यार दिन में सोने से, मतलब तो दिन में मैं सो ही नहीं पाती थी, इतनी लाइट होती थी. तो इसमें मैंने थिक वाला लिया है और ये ऐसे बस स्ट्राइप्स है, ब्लैक, वाइट, ग्रे. वाइट नहीं है, ये ग्रेश टाइप है, बट ये मेरे रूम के वाइब के साथ काफ़ी जाएगा. सो दीज आर द कर्टन्स. सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो काफ़ी स्पेशल है. सो आई गॉट अ कैंडल. लाइक मेरा पहला कैंडल परचेज है, इट्स फ्रॉम मिनीसू, एंड इसका जो फ्लेवर है वो है एलिगेंट रोज. और ये अगर आप चाहो ना तो आप मिनीसू में ऐसे छोटे से टेस्ट वाली दे रखे, तो आपको पूरी कैंडल खोलने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ही स्मेल कर सकते हो. ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छी है. अगर आपको फ्लावर वाली वाइब पसंद है ना, रोज, लिलीज, तो ये आपको कैंडल काफ़ी पसंद आएगी. सो दिस इज द वन. और अभी विंटर आ रहा है, ऑटम आ रहा है, तो इस बार मैं काफ़ी वो वाली वाइब चाहती हूँ अपने रूम में, वार्म सी, कोजी सी. सो दैट्स व्हाई मैंने कैंडल लिया है. और इसके साथ है ना, वो जो कैंडल रखने वाला जो कोस्टर्स होते हैं ना, मैंने वो भी मंगाए थे, बट वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है और पता नहीं वो कब तक होगा, बट वो जब भी आएगा आई एम गोना शो यू गाइस. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस. ये मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिला था, अगर आपने मेरा बर्थडे गिफ्ट हॉल देखा होगा तो. ये अभी तक मैंने अपने रूम में कहीं लगाया नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट आज मैं कहीं ना कहीं से जरूर जुगाड़ूंगी. सो अभी चलते, सबसे पहले कर्टन्स लगाते हैं. लेट्स जस्ट गो. So
सो बेडशीट लगाना इज सच अ टास्क, बट जो आउटकम आता है ना, लाइक जो बिल्कुल टाइट टाइट सी चादर बिछी रहती है ना, बहुत अच्छा लगता है. लाइक उसमें मन करता है बैठू ना, कोई भी सिलवटे नहीं आने चाहिए. सो हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ. अब बची हुई चीजें क्लीन अप कर लेते हैं और इनको यहाँ से थोड़ा साफ करते हैं और इसको. सो रूम इज रेडी, बट मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं शाम को दिखाऊंगी जब लाइट वाइट ऑन हो जाएगी, कैंडल्स ऑन कर देंगे, दिए जल जाएंगे. अभी आई एम गोइंग टू फ्रेश अप एंड आई विल कैच यू लेटर. सो अभी हम ना कुछ कुछ ऐसे ना मटके सजा रहे हैं. ये मेरी चाची ने बनाया है और यहाँ पे अभी मैं इसको पेंट, मैंने भी बनाया है. वो मैंने भी बनाया है, मैं और चाची ने मिलके बनाया है और अभी मैं इसको पेंट कर रही हूँ. तो ये हम आई गेस कुछ डेकोरेशन में यूज करने वाले हैं. लेट्स सी. और ट्विंकल का देखो गाइस, ये देखो गाइस कितना प्रीटी मास्टरपीस बनाई है. हेलो बोलो दोस्तों को. और ये अभी मम्मी से डांट सुन के आ रही हूँ. मतलब मैं पता नहीं मुझे कैसे इतनी नींद आती है यार. दिन में नैप लेना इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी. और आज मैं दिवाली के दिन भी सो गई और यहाँ सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, रंगोली बनना स्टार्ट हो गया, इन बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है. कितना प्रिटी लग रहा है ना, तो उतना एवी और ट्विंकल ने इतना तो कर दिया. अब मैं इसका आगे का देखती हूँ, मैं इसको क्या और सुंदर बना सकती हूँ. तो हमारा सारा डेकोरेशन हो गया और इस लड़के ने क्या मस्त मस्त रंगोली बनाई है भाई, और क्या डेकोरेशन किया है. तो हम अब और हमें यहाँ डांट पिट रही है कि हम कोई काम नहीं कर रहे और बस कैमरा लेके इधर से उधर ब्लॉगिंग कर रहे हैं. वो कट हो गया था बीच में. तो हमें ना अभी आपको कुछ भी रिवील नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो फील नहीं आएगी. जब दिए जलेंगे, लाइट जलेगा, तब वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो अभी शाम होने देते हैं, उसके बाद हम आपको पूरा टूर कराएंगे और दिखाते हैं कैसे कैसे रंगोली. अभी हम मैं और ट्विंकल है ना, इसको कुछ होम डेकोर कुछ ऐसा बनाएंगे. अब हम लोग इसमें क्या डालेंगे, छोटे छोटे कैंडल्स डालेंगे. ये वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है. हैप्पी दिवाली. नहीं, बर्थडे नहीं आ रहा है, दिवाली आ रहा है. देखो कितनी प्रिटी लग रही है, मैं ट्विंकल को दिखाती हूँ. अरे अरे अरे, ओ हो मॉडल हमारी. बस बस मैडम, फोटो फोटो मैडम, इधर देखिए इधर देखिए. अरे अरे, हाउ प्रिटी इज दिस कॉर्नर लुकिंग. लाइक मुझे ये काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, लाइक जो वाइब ये दे रहा है ना, आह हा. एंड दिस इज द बाकी का रूम. मैं भी लाइट ऑन करके दिखाती हूँ. यार कितना सुंदर लग रहा है. हाँ, अभी रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि सारे दिए हुए सब जल गए हैं. और अभी हम जाएंगे मेरे शॉप पे, हम जाएंगे वहाँ पूजा वूजा होगी. बट मैंने अभी तक अपनी आउटफिट डिसाइड नहीं करी कि मैं क्या पहनूं. गाइस, सो दिस इज माय लुक. आई नो ब्लैक नहीं पहनना चाहिए था, माइट भी मुझे मम्मी से डांट भी मिल रहा है, बट मैंने जो प्लान कर रखा था वो अभी तक स्टिच होके आया नहीं है. बट दिस इज द लुक और मुझे काफी अच्छा लग रहा है. और अभी हम नीचे चलते हैं और डेकोरेशन देखते हैं. तो गाइस अभी हम लोग कहाँ जाएंगे ट्विंकल? दुकान. हम लोग अभी दुकान जाएंगे और क्या करेंगे? मजा करेंगे, चॉकलेट देंगे, पटाखे जलाएंगे, मिठाई खाएंगे. दिवाली दादाजी, हैप्पी दिवाली. हम लोग अभी दुकान आ गए और यहाँ पे इस लड़की को ना, यहाँ ये ना बावली हो गई है, मतलब इनका लूट मच है. ये हमारा जुगाड़ हाथ जलने से बचाने के लिए. Thank you.
अभी ना एक रस्म होती है जिसमें मैं ना क्या कर रही हूँ टिंकल, क्यों कर रही हो, जिसमें अच्छे से मुंह नहीं बनाना है, जिसमें हम ना ऐसे कोसी भरते हैं भाइयों के लिए, तो हम जितनी भी बहनें होती हैं वैसे तुलसी माता के सामने या फिर गणेश जी लक्ष्मी जी के सामने ऐसे 5 कोसी भरते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको बतासा कहते हैं, ये रखते हैं, लड्डू रखते हैं और दिया जलाते हैं और कुछ फोक सॉन्ग्स गाते हैं जो अभी हमारी दादी माँ गाएंगी हमारे साथ। सो काफ़ी रात हो गई है और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कर ही ली, अब हम बस डिनर करेंगे। और डिनर में ना हमारा मतलब हर साल का एक ही मेन्यू होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, चावल दाल प्रॉपर, मतलब जो भी चावल दाल बचका और उसके साथ दही और फिर पनीर और मटर की सब्जी बहुत यमी लगती है, और ये मतलब ये सारा जो होता है ना बिना लहसुन प्याज का होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम उसके बाद डिनर करेंगे और अभी मैं आई हूँ चेंज करने, बट मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी आप लोगों से, तो आई डोंट नो कि कितने लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, बट अभी वाला जो टाइम होता है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा लोनली और बहुत शांत लगता है। दो बहुत सारे पटाखे जल रहे होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे होता है ना कि दूर दूर से ऐसे थोड़े थोड़े से अभी आप लोग को सुनाई दे रहा होगा पटाखे की आवाज़, बट बहुत ऐसे लगता है कि बहुत शांत है, जबकि मतलब बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया ये आई नो, बट बहुत वियर्ड सी फीलिंग लगती है, ऐसा लगता है कि हाँ मतलब इतना सारा हुआ अभी फेस्टिवल खत्म हो गया, तो थोड़ा सा ऐसा जो होता है ना सैड वाली फीलिंग या फिर कुछ ऐसा, पता नहीं मुझे मतलब मैं समझा नहीं पाऊँगी यार, बट कुछ ऐसा सा होता है, आई डोंट नो आप लोग समझ पा रहे हो या फिर रिलेट कर पा रहे हो या फिर नहीं, बट सब कुछ हो गया, अब हम चेंज करेंगे, खाना खाएंगे एंड ये सबको साइड में रखते हैं, एंड आई जस्ट विश एवरी वन अ वेरी हैप्पी दिवाली, आई होप आप सबको हेल्थ हैप्पीनेस प्रोस्पैरिटी सब मिले इस दिवाली, एंड आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी स्टे सेफ बाय।